नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। बात करेंगे सुपौल के त्रिवेणीगंज ब्लॉक की, जहां चोरों ने बनाया किराना दुकान को निशाना। जी हां, आप एकदम सही सुन रहे हैं। मुख्यालय अंतर्गत बाजार के मोहल्ला स्थित एक किराना दुकान है, जहां पर दुकान पीड़ित ललन पोद्दार का कहना है कि रात्रि के समय अज्ञात चोरों ने उनकी दुकान में नगद रुपए सहित खाने पीने वाले हजारों रुपए का सामान चुरा लिया है। सूचना मिलने पर त्रिवेणीगंज पुलिस दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। आप भी देखिए यह रिपोर्ट। क्या नाम है? अमर जी। कहाँ घर है? यही इसी वार्ड में। क्या नंबर वार्ड में? 11 नंबर वार्ड। पंचायत कौन है? हलागरिया। यहाँ क्या मामला था? यहाँ क्या हुआ, चोरी हुआ? किसके यहाँ? नाम बता रहे। ललन पोद्दार के यहाँ चोरी हुआ है? कौन सी दुकान उकान था क्या? किराना का सामान कुछ ले गया इसका। हम लोगों को सुबह में पता लगा, उठ करके आए। कितना का सामान ले गया होगा मालूम है? तो बोल रहे हैं सब आदमी 40-50 हज़ार का ले गया। ये जूता चप्पल है? तो जूता और छाता यहीं पर बच गिरा गया ना। ये क्रिमिनल का है? अच्छा, क्या सब दुकान में गया था? दुकान गेहूँ पलट के सामान भरा। ये बोरा में भी भरल है? हाँ, इस बोरा में भी भरल है। इसको छोड़ करके भाग गया। बाकी जो चार गो बोरा हुआ था उसमें भरा गला, यहाँ देखिए गला खींच लिया गया है। बाकी खाली गला यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है सर, गला खाली कर दिया है। ये सारा कुछ जो है इसमें बहुत बड़ा नुकसान बड़ा कर दिया है यहाँ पर। इसी बोरा में भी और कस के छूट गया ना? बोरा में ये छूट गया है सामान कस करके। इसमें भी कसा हुआ था, ये भी छोड़ दिया। बड़ा वाला था सारा सामान। क्या नाम है? अमर जी। कहाँ घर है? क्या हुआ, क्या मामला है यहाँ पर? बारिश हो रही थी जो है, तो लाइट भी नहीं था। और अचानक जो है तो मतलब मेरे घर का जो है सो दिन में ही चाबी जो है सो मतलब एक साजिश के तहत निकाला गया और घटना को 1:30 बजे अंजाम दे दिया। और घटना में मेरा जो है सो काफ़ी क्षति हुआ है। मेरा सामान क्या करते हैं आप? किराना का? क्या सब ले गया आपका? तेल, साबुन, चीनी, चापड़ी, किराना का जितना भी था पाँच सात गो बोरा में भर करके सारा की। कितना का सामान ले गया? लोगों 35-40 हज़ार रुपया का सामान ले गया है। और नगद भी था उसमें। कितना नगद था? 5-6 हज़ार का नगद था। और ये रात का घटना है, पता चला कौन ले गया है? पता तो मतलब चोर का जूता रह गया यहाँ पर। हाँ। और कुछ रहा? छाता भी रह गया। बारिश के समय इतना सारा सामान साथ ले जाना संभव नहीं है कि सामान तो लगता अगल बगल में ही कहीं है। आपसे निवेदन यही है कि अगल बगल जो है कि इंक्वायरी किया जाए, हो सकता है कि ताला तोड़ के ले गया क्या? जी नहीं, ताला खोल करके ले गया। साजिश के साथ चाबी निकाला गया है। बाहर का चोर नहीं है, लोकल चोर है। चाबी कैसे उसके पास आ गया? ताला मारे ना रात में, तो चाबी नहीं था आपके पास? नहीं, ये तो ऐसे लगने रहता है। 10 बजे तक का जो हमारे 10 बजे से अपना काम चला लेते हैं। ये छोटा गेट है आपका, इधर से आना जाना भी आपका? हाँ, इसी काम करना रहता था। इधर से खोल करके इधर के अंदर घुसा है और सारा सामान जो है उसको हटा करके सामान लेने आया। उसी दिन और में उसी क्रम में चाबी आपका उठा लिया। कहाँ चाबी रखा था? चाबी जो है वो पवन पर था।
टेबल पे रखा हुआ था, तो आप लोग नहीं खोजे ना? ताला लगा हुआ। रात में क्या बजे करना है? डेढ़ बजे का करना है। तब कैसे पता चला आप लोग? मेरी वाइफ सोई हुई थी, उसको अचानक दरवाजे के अंदर से रोशनी का कुछ हलचल पता चला। और जो बोरा में भरा हुआ था उसको छोड़कर भागने में वो कामयाब था, क्योंकि हम लोग जो है मोहल्ला के अड़ोस पड़ोस के लोग भी सारे कुछ आए जमा हुए, टॉर्च लेकर करके तो कहीं किसी का पता नहीं चला। और सोचते हैं कि मतलब 10 मीटर आगे गए तो वहाँ पर मेरा जो है थोड़ा कैमरा घुमाइए सर, वहाँ पर जो कि मेरा गला पड़ा हुआ था वहाँ पर उसमें थोड़ा था। क्या नाम है? कहाँ का रहते हैं? अपना नाम यहाँ पे कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 11 तलागरिया का, तलागरिया दक्षिण पंचायत त्रिवेणीगंज में। अच्छा, क्या मामला? हाँ, क्या मामला था यहाँ पर? यहाँ पे रात के लगभग 1-1.30 बजे के दरमियान में हमारे बड़े भाई ललन कुमार पुजार जी हैं, उन्हीं के दुकान है। क्या चीज़ का दुकान? दुकान किराने का। अच्छा, दुकान और मकान साथे में। दुकान में लगभग चोरी हुआ है 1:30 बजे के आसपास जी। चोरी के दरमियान में हमको एकाएक आवाज़ दिया 1:30 बजे हमारे बड़े भाई, हम तो नींद में थे फिर भी हम आए। यहाँ 2-3 मौजूद आदमी थे, यही हमको ये पता चला कि दुकान में चोरी हुआ, कुछ कैश भी ले गया है, मोटा रकम का जो भी सामान था वो सामान। कितना का लगभग चोरी हुआ? भाई साहब के कहे के अनुसार लगभग 30,000 का सामान है और 6,700 रुपया जी। पुलिस वुलिस आई थी अभी? हाँ, अभी तुरंत पुलिस आई थी उसके साथ। क्या नाम है? कहाँ का रहते हैं? कहाँ रहते हैं? अपना नाम यहाँ पे कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 11 तलागरिया दक्षिण पंचायत त्रिवेणीगंज में। अच्छा, क्या मामला? हाँ, क्या मामला था यहाँ पर? यहाँ पे रात के लगभग 1-1.30 बजे के दरमियान में हमारे बड़े भाई ललन कुमार पुजार जी हैं, उन्हीं के दुकान है। क्या चीज़ का दुकान? दुकान किराने का। अच्छा, दुकान और मकान साथे में। दुकान में लगभग चोरी हुआ है 1:30 बजे के आसपास जी। चोरी के दरमियान में हमको एकाएक आवाज़ दिया 1:30 बजे हमारे बड़े भाई, हम तो नींद में थे फिर भी हम आए। यहाँ 2-3 मौजूद आदमी थे, यही हमको ये पता चला कि दुकान में चोरी हुआ, कुछ कैश भी ले गया है, मोटा रकम का जो भी सामान था वो सामान। कितना का लगभग चोरी हुआ? भाई साहब के कहे के अनुसार लगभग 30,000 का सामान है और 6,700 रुपया जी। पुलिस वुलिस आई थी अभी? हाँ, अभी तुरंत पुलिस आई थी उसके साथ। क्या मामला था सर यहाँ? दुकान के ताला तोड़ के सामान चुरा लिया है सर, चुरा लिया था दिन में। अच्छा, क्या चुरा लिया था, कुछ पता चला? कुछ पता तो अभी नहीं चला, अज्ञात तो नहीं लोग बता रहे हैं कि दुकान की दुकान मालिक अज्ञात चोर के द्वारा चाबी चुरा लिया दिन में और ताला तोड़ के सब सामान। कितना का सामान नुकसान हुआ इसमें? लगभग 30,000 लगभग कुछ था 5-6 हज़ार के कुल लगभग 40 के आसपास। अभी जांच में कुछ पता चला है सर? जांच में तो नहीं पता चला है, छानबीन हो रहा है। क्या चीज़ का दुकान था? किराना है, बिस्कुट वगैरह, तेल, चीनी, चावल, अचार। R9 भारत के लिए दिनेश कुमार, त्रिवेणीगंज, सुपौल। भागलपुर नाथनगर मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के कंजिया बाईपास के समीप एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 2 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ऑटो पर सवार होकर करीब 8 की संख्या में लोग पर्वत गांव से ले जाए जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। ऑटो पलटने से ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। सूचना पर पहुंची मधुसूदनपुर ओपी पुलिस द्वारा घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। कैसे उन्नस गाड़ी आवे रे, इन्नस मोटरसाइकिल वाला आवे रे, मोटरसाइकिल वाला बचवे में खराब भेले आरो की लोग आ जाए छी तारापुर लोग। कहां से आबे रे? पर्वता थाना। ओ घायल जे घायल दुगो छे, एगो जखम ज्यादा छे लड़का। उस पर्सन को 0 माइल से जो है रिजर्व किया सर, लेके जा रहे हैं तारापुर लोग जा रहे थे, तो उसका यहाँ पे जो है मोटरसाइकिल ला के
मार दिया मोटरसाइकिल बचाने में एक्सीडेंट हो गया सर। और हम मेरा स्पीड बहुत कम है, मेरा लाइसेंस देखिए सर, मेरा उम्र देख लीजिए। क्या नाम है आप? मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है। हम बहुत धीरे चलते थे सर। आप ड्राइवर हैं? R9 भारत के लिए अरविंद कुमार, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।